Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एसडी कैंपस आगरा पर। तो हम कमीशन का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं और कमीशन से रिलेटेड पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं, लेकिन उससे आगे और क्वेश्चन जो कमीशन से पूछे जाते हैं आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। कमीशन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब मैं कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस पे भी थोड़ा ध्यान दूंगा, तो आपको कंसेप्ट के साथ पिछली वीडियोज में जो कम क्वेश्चन मिल पा रहे थे वो वैसे आपको मैं सीट प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन अब यहां से आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको कंसेप्ट कराने के बाद उस पर बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, एक या दो वीडियो मतलब 15-20 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कमीशन से रिलेटेड आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाते हैं। तो देखेंगे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको यहां पर दिखने लग गया होगा क्वेश्चन, मुझे भी दिख रहा है। तो देखो एक विक्रेता को 3,000 रुपए की बिक्री तक 1% का कमीशन मिलता है। क्वेश्चन जब कभी भी जैसे ही आपको दिखता है, जब आप वीडियो देखा करें तो कॉपी पेन और सारी चीज लेके बिल्कुल तैयार बैठा करो, जैसे क्वेश्चन दिखता है तुरंत उसको करने की कोशिश किया करो। तो देखो एक विक्रेता को 3,000 रुपए बिक्री तक 1% का कमीशन मिलता है तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 20% कमीशन मिलता है। जनवरी के महीने में कुल 7,000 रुपए की बिक्री पर उसने 960 रुपए कमाए और फरवरी में 8,000 की बिक्री पर उसने 1110 रुपए कमाए। तो ए और बी के मान ज्ञात करो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का जब आपसे पूछा जाएगा तो उसमें क्या है कि एक फिक्स बिक्री तक तो कमीशन का परसेंट फिक्स होगा। जैसे उसने कहा है कि 3,000 रुपए की बिक्री तक 1% का कमीशन है, इसका मतलब अगर विक्रेता 3,000 रुपए की बिक्री करेगा तो उसको 1% से जो है कमीशन मिलेगा, इसका मतलब इतनी बिक्री तक उसका कमीशन परसेंट फिक्स है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 20% कमीशन मिलता है, मतलब 3,000 से ऊपर की अगर वो सेल करेगा तो उसको 20% से कमीशन मिलेगा। बिल्कुल बात को ध्यान से समझते चलना, अगर वो 3,000 से ऊपर की बिक्री करेगा तभी उसको 20% से कमीशन मिलेगा, अदरवाइज उसको 1% से मिलेगा 3,000 तक। फिर उसके बाद उसने उसका 2 महीनों का हमें दिया है कि जनवरी के महीने में वो 7,000 रुपए की बिक्री पर 960 रुपए कमाता है और फरवरी के महीने में 8,000 की बिक्री पर और जो है 1110 रुपए कमाता है। ए और बी के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो प्यारे विद्यार्थियों कैसे सॉल्व करेंगे समझेंगे इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से धीरे धीरे। तो देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों समझेंगे। तो पहले क्वेश्चन में उसने कहा है कि 3,000 की बिक्री पर 1% का कमीशन है, तो कमीशन का रेट कैसे लगेगा। कमीशन का रेट इस प्रकार से लगेगा कि यदि कोई विक्रेता 3,000 रुपए की बिक्री करता है तो उसको 1% से कमीशन दिया जाएगा और अगर इससे ऊपर की बिक्री करता है तो उसको 20% से कमीशन दिया जाएगा। हमें पूछा क्या है ए और बी के मान। तो देखो पहले क्वेश्चन को समझ लो बिल्कुल ध्यान से, इसका मतलब अगर विक्रेता 3,000 तक की बिक्री करेगा तो 1% से कमीशन दिया जाएगा और उससे ऊपर की बिक्री पर उसको 20% से कमीशन दिया जाएगा। अब हमको दो कंडीशन दिए हैं, उसने कहा जनवरी के महीने 7,000 की बिक्री पर उसे 960 रुपए मिले, इसका मतलब मैं इधर लिख लेता हूं उसकी टोटल सेल्स और इधर लिख लेता हूं प्यारे विद्यार्थियों कमीशन कितने रुपए मिला। ये एक साइड में लिख लेते हैं उसे कमीशन कितना मिला और एक साइड में लिख लेते हैं टोटल सेल्स। एग्जाम में कैसे करना है वो मैं बता दूंगा, पहले आप पहले बिल्कुल कंसेप्ट को समझ लो धीरे धीरे। तो टोटल सेल्स और एक साइड में लिख लेते हैं कमीशन, तो कुल बिक्री कितने की है, तो जनवरी के महीने में 7,000 रुपए की बिक्री है तो 7,000 रुपए की बिक्री पर कमीशन लग रहा है जनवरी के महीने में, 7,000 रुपए की बिक्री पर कमीशन लग रहा है जनवरी के महीने में 960 रुपए, ठीक है। देखो 960 रुपए है। फिर उसके बाद फरवरी के महीने में
8000 रुपए की बिक्री और उस पर 1110 का, मतलब फरवरी के महीने में 8000 रुपए की बिक्री कर रहे और 8000 पर उसे कमीशन मिल रहा है 1110 रुपए। बिल्कुल बात को ध्यान से समझना, बिल्कुल बात को। तो 8000 रुपए की धनराशि पर 1110 रुपए से कमीशन लग रहा है, 7000 रुपए की धनराशि पर भाई 960 रुपए से कमीशन मिल रहा है, ये वाली चीज कही है। तो ए और बी का मान पूछा है। तो अब देखना, अब ध्यान से बात को समझना, यहां से समझने वाली चीजें स्टार्ट होंगी। अब हमें ये पता है कि कमीशन का रेट किस प्रकार से है। हमें पता है कि 3000 की बिक्री तक 1% से कमीशन है, ऊपर की बिक्री पर 20% से कमीशन है। इसका मतलब यहां क्या होगा, 7000 में, इस 7000 में 3000 पर तो 1% से कमीशन लगेगा और बाकी का जो 4000 बचेगा उस पर 20% से कमीशन लगेगा। इस 7000 में ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा? इस 7000 रुपए में अगर मैं कमीशन की बात करूं, 7000 रुपए में कमीशन कैसे लगेगा, तो 3000 रुपए की धनराशि पर 1% से लगेगा। देखो मैं इधर लिख देता हूं, 3000 रुपए की धनराशि पर 1% से कमीशन लगेगा। उसके अलावा 960 में क्या होगा, उसके अलावा जो 7000 में से 3000 घटाने के बाद जो धनराशि मिली 4000, उस 4000 की धनराशि पर 20% से कमीशन मिलेगा। ये समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, देखो बात को समझते चलना। तो ये 7000 रुपए का जो टोटल सेल्स है, इसमें से 3000 पर कमीशन 1% से लगेगा, फिर जो 4000 बचेगा उस पर 20% से लगेगा। तो कमीशन कितने रुपए बन रहा है, 960 बन रहा है, मतलब इससे कमीशन कितना बन रहा है, 960। ठीक है, ऐसे यहां 8000 में देखो, तो 8000 में भी 3000 रुपए की धनराशि पर कमीशन 1% से बनेगा। उसके बाद यहां पर कितनी बचेगी, तो आप कहेंगे कि सर यहां पर 5000 रुपए बचेंगे, 5000 की धनराशि पर 20% से कमीशन लगेगा, तो कमीशन कितना बन रहा है, 1110। अब आप यहां से बात को ध्यान से समझना, यहां से समझने वाली बात क्या है कि यहां पर भी 3000 रुपए पर 1% से कमीशन लग रहा है और यहां पर भी 3000 पर उसी रेट से कमीशन लग रहा है। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, मतलब इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, तो ध्यान से समझना, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 3000 पर 1% से कमीशन यहां पर पॉजिटिव रहेगा और ये हो जाएगा नेगेटिव। ये वाला जो कमीशन है ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इसमें से इसको माइनस कर रहा है, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो ये दोनों कमीशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बताओ? ये वाला कमीशन इस वाले कमीशन से कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा ये जो 5000 है ये तो पॉजिटिव रहेगा, बिल्कुल इक्वेशन वाली चीज समझ लीजिए, और ये 4000 नेगेटिव, मतलब इसमें से 5000 पर 20% से लग रहा है, यहां पर 4000 पर 20% से लग रहा है। तो इसका मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बस 1000 पर 20% से कमीशन बचेगा कि नहीं बचेगा। जब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये दोनों सेम तो आपस में कट जाएंगे भाई, इक्वेशन सॉल्व करना हमें आता है, आपस में कट जाएंगे। तो यहां पर 5000 में से ये 5000 पर 20% से कमीशन है, यहां 4000 पर 20% से, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मात्र 1000 रुपए की धनराशि पर और 20% से कमीशन का मान बराबर आ जाएगा। कितना, ये जो 1110 रुपए है ये तो रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि इसमें से ऊपर वाले को माइनस कर रहे हैं, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 1110 में से, तो 1110 में से 960 को माइनस करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 051, 150 रुपए। तो देखो मैंने क्या किया है, बस मैंने बाद वाले कमीशन और टोटल बिक्री में से पहले वाले टोटल बिक्री और कमीशन को घटाया, तो 8000 में से 7000 को घटाने पर जो 1000 रुपए की धनराशि बची, इस 1000 रुपए की धनराशि पर 20% से कमीशन की वैल्यू दोनों कमीशनों के अंतर के बराबर होगी। वो क्यों होगी वो मैंने आपको समझा के दिखा दिया है कि 7000 में भी 3000 पर 1% से लग रहा होगा और 4000 पर 20% से लग रहा होगा, और इस 8000 में 3000 पर 1% से लग रहा होगा, 5000 पर 20% से लग रहा होगा। इसका मतलब इस इक्वेशन में से अगर इसको घटाएंगे तो ये वाला कमीशन तो हो जाएगा आपस में कैंसिल, मात्र 5000 में से 4000 को घटाएंगे तो 1000 पर 20% से कमीशन आ जाएगा, इन दोनों का अंतर 150 रुपए। ठीक है, अब उसके बाद आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो 0 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 1 जीरो, तो बी का तो मान भाई, बी का मान तो बराबर आ गया सीधा सीधा 15%। एक मान तो हमारे पास निकल के आ गया, तो बी का मान 15% आ गया। उसने क्या पूछा हमसे, ए और बी के मान, तो बी का मान 15% भाई ए और बी ऑप्शन में आ रहा है, तो सी और डी तो पहले ही हट गए, सी और डी तो हो नहीं सकते, अब ए और बी में से और देखना पड़ेगा कौन सा होगा, तो उसके लिए हमें ए का मान निकालना पड़ेगा। तो ए का मान अब चाहे आप इस इक्वेशन से निकाल लो, चाहे इस इक्वेशन से निकाल लो, जिस इक्वेशन से आपको इजी लगे, इस इक्वेशन से आप ए का मान निकाल सकते हैं। जैसे मैं इस वाले इक्वेशन से निकालूंगा,
तो बी परसेंट मतलब बी का मान 15% है, तो 4000 पर 15% से मान निकालकर 960 में से घटा दूं तो बाकी का कमीशन 3000 पर ए परसेंट से आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां वाले इक्वेशन से निकाल लो, अगर यहां से निकालेंगे तो 5000 पर 15% से निकाल के 1110 में से घटा दूं तो बाकी का जो कमीशन आएगा वो 3000 पर ए परसेंट से आएगा। दोनों में से किसी भी इक्वेशन से निकाल लो। तो देखो मैं इस ऊपर वाले इक्वेशन से निकालता हूं, तो ऊपर वाले इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे तो 3000 पर ए परसेंट से, 4000 पर बी परसेंट से, तो 4000 पर 15% से कितना बनेगा, तो 4000 पर 15% से बनेगा 600। इसका मतलब 3000 रुपए की धनराशि पर ए परसेंट से कमीशन की वैल्यू बराबर आ जाएगी, कितने के बराबर हो जाएगी, यहां पर 15% से निकालेंगे 4000 पर, तो 4000 का 15% कितना हो गया 600, 600 को 960 में से माइनस करेंगे तो कितना बचा 360। ठीक है, यहां से दो जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तीन से ये 12 बार कैंसिल हो गया, तो ए का मान कितना आ गया भाई, तो ए का मान आ गया 12%। तो देखो ये वाला 12% और 15% हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 12% कौन सी ऑप्शन पे है, ए पे, और 15% कौन सी ऑप्शन पे है, ए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें एक निश्चित धनराशि तक कमीशन का परसेंट फिक्स हो, फिर उससे आगे वाली धनराशि पर अलग परसेंट से कमीशन मिल रहा हो, और दो अलग अलग सेल्स पर अलग अलग कमीशन दिया हो, तो बाद वाली सेल्स में से ज्यादा वाली सेल्स में से कम वाली सेल्स को घटा देंगे, ज्यादा वाले कमीशन में से कम वाले कमीशन को घटा देंगे, तो जो कमीशनों का अंतर आएगा वो अंतर वाली धनराशि 1000 पर बाद वाले परसेंटेज से आएगा, बी परसेंट से, वहां से बी का मान आ जाएगा। फिर वी का मान चाहे आप इक्वेशन इसमें रख दो, चाहे इक्वेशन उसमें रख दो, वहां से ए का मान आ जाएगा। बात क्लियर है? देखो मैं एक दूसरे और ए का मान दूसरे वाले तरीके से भी बता सकता हूं आपको, नीचे वाले इक्वेशन से, इस वाले से, इस वाले इक्वेशन से बी का मान कैसे निकल के आएगा, 3000 पर ए परसेंट से, 5000 पर बी परसेंट से। तो पहले 5000 रुपए की धनराशि पर 15% से निकाल लो कितना बन रहा है, तो कितना बन रहा है 750। 750 को इस 1110 में से घटा दो तो बाकी का जो बचेगा वो किस पर बचेगा, 3000 पर, कितने परसेंट से, ए परसेंट से। तो 750 को 1110 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 0 बचेगा, और यहां से करेंगे तो 11 में से 6 बचेगा, 360 बचेगा, कितनी धनराशि पर है, 3000 पर, और मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो देखो 1000 से 1000, 3 से 12 बार आंसर आ गया 12%। ठीक है, तो आप कैसे भी कर लें लेकिन आंसर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर रहेगा इसका ए, 12% और 15%। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बात क्लियर है? तो देखो आपकी प्रैक्टिस के लिए सेम इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आपको दिखेगा, उसको देखेंगे, तो देखेंगे आज की क्लास का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन लगाइए, ठीक है यही है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जब मैं आपको एक ही टाइप के दो क्वेश्चन कराता हूं तो उसमें मेरा मोटिव रहता है कि पहला क्वेश्चन मैं अच्छे से आपको समझा दूं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जैसे ही आपको दिखे तो आप उसको करने की कोशिश करें। भाई इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करेंगे खुद से, तब मैं आपको इस क्वेश्चन को कराऊंगा। दूसरा क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम जो मैंने पीछे क्वेश्चन कराया है, सेम उसी प्रकार का है। ठीक है, एक विक्रेता को 2400 रुपए की बिक्री तक एक्स प्रतिशत कमीशन लेता है तथा इससे ऊपर की बिक्री पर वाई प्रतिशत कमीशन लेता है। यदि वह किसी महीने में बिक्री करके 1400 रुपए कमीशन बनाता है तथा किसी दूसरे महीने में 84 रुपए की बिक्री करके, यहां पर महीने में बिक्री कितने रुपए की कर रहा है, पहले वाले केस में बेटा 5400 रुपए की, ये लिख लेना भाई, हिंदी में ये मिसप्रिंट हो गया। यदि वह किसी महीने में 5400 की बिक्री करके, 5400 की बिक्री करके 1400 रुपए कमीशन बनाता है तथा किसी दूसरे महीने में 8400 रुपए की बिक्री करके और 2400 रुपए कमाता है, तो एक्स और वाई के मान, देखो मैंने अभी आपको बताया था इसको, क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे, एक निश्चित धनराशि पर निश्चित परसेंटेज से कमीशन लग रहा है, ऊपर की धनराशि पर अलग परसेंट से कमीशन लग रहा है, फिर आपको दो धनराशियों पर अलग अलग कमीशन दिया है और एक्स और वाई के मान निकालने हैं। ठीक है, तो अब देखो हम एग्जाम में, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को, पहला वाला क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल धीरे धीरे और तरीके से समझा दिया है, अब ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसको मैं थोड़ा सा फास्ट और क्विक अप्रोच से बताऊंगा आपको क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है वो। तो देखो एग्जाम में हम क्वेश्चन को अगर इस प्रकार के को सॉल्व करेंगे तो हम कुछ नहीं लिखेंगे विक्री, टोटल सेल्स, कमीशन, कुछ नहीं, बस हम ये देखेंगे कि पहला धनराशि कितनी है, तो पहली धनराशि 5400 रुपए की धनराशि पर कमीशन कितना लग रहा है, 1400 रुपए। फिर उसके बाद देखेंगे दूसरी धनराशि कितनी है, 8400 रुपए की धनराशि पर कमीशन कितना लग रहा है, तो वो देखेंगे 2400। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से इसको और इसमें से इसको माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे वो मैं पीछे वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं, दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है।
तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से ऊपर वाले को माइनस करेंगे। देखो 8400 में से, 8400 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इधर 3000 रुपए की धनराशि बचेगी, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना रुपए कमीशन आएगा, 1000। ये 1000 रुपए का जो कमीशन होता है, ये तो आएगा आपका कमीशन। देखना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, मैं आपको बिल्कुल ये एग्जाम की अप्रोच बता रहा हूं अब। और ये आएगी सेल्स, ये आएगी सेल्स यहां पर 3000 रुपए। तो ये 3000 रुपए की धनराशि पर 1000 रुपए का कमीशन बनता है। तो अगर हम कमीशन का परसेंट निकालेंगे, कमीशन का परसेंट निकालेंगे कि विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या है, तो कमीशन ऊपर 1000 रुपए और टोटल सेल्स 3000 रुपए नीचे और मल्टीप्लाई 100। तो यहां देखो 1000 से 3, तो ये आ गया 33.1%। ये जो 33.1% निकल के आया है, ये वाद वाले कमीशन का मान, मतलब वाई का मान निकल के आया है। वाई का मान निकल के आया भाई 33.1%, ठीक है। तो ये वाई की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें एक्स का भी मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसने पूछा है एक्स वाई का कितना परसेंट है। मतलब एक्स और वाई के मान निकालने के बाद यहां पर एक स्टेप और आगे पूछ लिया है कि एक्स का जो मान है वो वाई का कितना परसेंट है। तो ये वाली वैल्यू किसकी आ गई, तो ये वाली वैल्यू आ गई वाई की 33.1%। इसको सीधा 100/3 रखो, 100/3 रख लेते हैं, 100/3%, क्योंकि हमें परसेंटेज मान निकालना है आगे चल के। फिर उसके बाद वाई का मान आ गया 33.1%। अब यहां पर 5400 में क्या है, तो 5400 में हमें पता है 2400 तक एक्स परसेंट से। तो इस 5400 में क्या है भाई, इस 5400 में क्या है कि 2400 रुपए की धनराशि पर तो एक्स परसेंट से कमीशन है, और प्लस इससे ऊपर की जो धनराशि बची 3000, उस पर कितने परसेंट से है, वाई परसेंट से कमीशन है। तो वो कमीशन कितना बन रहा है, 1400 बन रहा है। बिल्कुल देखो धीरे धीरे समझेंगे, 2400 रुपए की धनराशि पर, 2400 रुपए की धनराशि पर एक्स परसेंट से कमीशन, प्लस 3000 पर वाई परसेंट से। तो 3000 पर वाई परसेंट कितना है, 33.1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। तो ये कमीशन कितने के बराबर होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, 1400 के। 3 से ये कितना हो गया, 1000 हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो गई, 24x का मान बराबर आ जाएगा, 1000 उधर जाएगा, तो यहां पर कितना बचेगा, केवल 400। 4 से कैंसिल करेंगे 6 बार, 4 से 100 बार, तो x का मान आ जाएगा 100/6%। उसके बाद उसने पूछा है एक्स वाई का कितना परसेंट है, x is what percent of y, तो x का मान कितना है 100/6, y का 100/3, 3 चला जाएगा ऊपर और मल्टीप्लाई 100। तो देखो कितना परसेंट हो गया, 3 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 100 50 बार, आंसर आ जाएगा हमारा 50%। कौन सी ऑप्शन पे है, ए ऑप्शन जो है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उसी प्रकार का सेकंड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 50%। तो क्या करना है हमको, ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी हमको एग्जाम में दिखेगा तो हम ज्यादा वाली सेल्स और ज्यादा वाले कमीशन में से पहले वाले को घटा देंगे। तो उसके बाद क्यों घटा देंगे, वो सारी चीजें पहले बता चुका हूं और एक बार बता देता हूं, चलो ठीक है क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें तो ऊपर वाले में ये है, नीचे वाले में क्या है, नीचे वाले में 2400 रुपए पर कमीशन है एक्स परसेंट से, बाकी की धनराशि 2400 को 8400 में से घटाएंगे तो कितनी बचेगी, 6000। तो 6000 पर कमीशन कितने आ जाएगा, वाई परसेंट से। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा कि ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो 8400 में से इसको घटाएंगे तो यहां पर कितना बचेगा, 3000, और ये माइनस प्लस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 6000 में से 3000 को माइनस करेंगे तो 3000 रुपए की धनराशि पर वाई परसेंट से जो कमीशन का मान है वो बराबर आ जाएगा 2400 में से इसको घटाएंगे तो कितने के, 1000 के। तो यहां से आप देखेंगे तो वाई का मान आ जाएगा 100/3, जो ये आया है आपके सामने, मैंने निकाला है वाई का मान आ गया। उसके बाद एक्स का कैसे निकालेंगे, चाहे इस इक्वेशन में रख दो या इस इक्वेशन में रख दो। तो एक्स का मान निकालेंगे तो वाई का मान यहां रख देंगे या यहां रख देंगे, तो मैंने पहले वाले में रख दिया, 2400 पर एक्स परसेंट से, प्लस 3000 रुपए की धनराशि है 3000 पर वाई परसेंट से। तो वाई परसेंट 1/3 से कितना बन गया, 1000। 1000 को 1400 में से माइनस करेंगे तो 400, यहां से एक्स का मान आ जाएगा सीधा 100/6। आपको कभी भी एग्जाम में ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये वाली चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है इन क्वेश्चनों पर। ये ही नहीं, परसेंटेज ही नहीं, चाहे किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन हो, उनको आपको इतना मतलब लगाना है कि क्वेश्चन में कुछ भी लिखना ना पड़े, बस आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं ये क्या लिख रहा हूं। जैसे देखो मैं बताता हूं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये कमीशन से रिलेटेड और बहुत आते हैं पेपर में।
मैं जब इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करूंगा तो मैं भाई कुछ नहीं लिखूंगा, बस सीधा सीधा जैसे वो है ना, मैं सीधा सीधा 8400 और 5400 दो धनराशि है, 5400 रुपए की धनराशि और 8400 दोनों का अंतर कितना हो? तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा दूसरा वाला जो y परसेंट है उसका मान निकालने के लिए क्या करूंगा, 8400 5400 का अंतर, कमीशन का अंतर नीचे तो कमीशनों में अंतर कितना है 3000 का, सॉरी कुल बिक्री का कमीशन नीचे, तो एक केस में 8400 की बिक्री है, एक केस में 5400 की बिक्री है, तो दोनों का अंतर कितना है 3000, और ऊपर क्या लिखूंगा, दोनों कमीशनों में अंतर 2400 और एक कमीशन कितना है 1400, 2400 और 1400 का अंतर कितना हो जाएगा 1000, और मल्टीप्लाई कर दूंगा सीधा 100, तो आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। ये 33 सही 1/3% किसका मान हो जाएगा, y का मान हो जाएगा। पेपर में सीधा ऐसे करना है आपको, कमीशनों का अंतर ऊपर और टोटल सेल्सों का अंतर नीचे हो, मल्टीप्लाई 100, तो दूसरा वाला कमीशन परसेंटेज आ जाएगा, दूसरा वाला कौन सा है y परसेंट का मान आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद फिर वही, फिर क्या करेंगे, हमें पता है 5400 रुपए की धनराशि में से 2400 रुपए की धनराशि पर x परसेंट से लग रहा है, x बटे 100 प्लस बाकी की धनराशि कितनी बची 3000, 3000 पर y परसेंट 1/3 की वैल्यू बराबर होगी कितने के, 2400 के, 3 से कैंसिल करेंगे ये कितने बार कट जाएगा 1000 बार, सॉरी 1400 के, 1400 रुपए कमीशन बन रहा है तो ये बन जाएगा 1000 बार कट जाएगा, तो यहां से 20 से 20 तो 24x का मान बराबर हो जाएगा, 1000 उधर जाएगा 400 के, 4 से कैंसिल करेंगे 6 बार, x का मान बराबर हो जाएगा 100/6, आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। अगर दोनों के मान पूछे हैं तो x का मान आएगा 16 सही 2/3%, y का मान आएगा 33 सही 1/3%, उसके बाद पूछा उसने x y का कितना परसेंट है, तो आप देखो x y का आधा है, देखो 33 सही 1/3 इसका दो गुना है, दोगे उसका दो गुना करूं मैं तो 16 दूनी 32 और 4/3, 3 से एक बार और चला जाएगा, 33 सही 1/3 दो गुना है कि नहीं, इसका मतलब एक्स वाई का कितना परसेंट होगा, एक्स वाई का आधा होगा, आधा का मतलब कितना हो गया 50%। ऐसे चीजें आपके माइंड में चलनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। अब हम डिफरेंट टाइप का और कमीशन पर एक और क्वेश्चन देखेंगे, तो देखेंगे आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज थोड़ा सा क्लास के जो मोड है उसमें चेंज किया गया है। पहले जो क्लासेस चलती थी तो उनमें जो क्वेश्चन है वो मुझे बोर्ड पर दिखाई नहीं देता था, मुझे खुद देख के सॉल्व करना होता था, केवल आपके दिखता था। लेकिन आज हम जो है प्रोजेक्टर का यूज करके ये हमने नया सिस्टम बनाया है। आपको अगर ये सही लगता है पहले से कि हाँ सर ये सही है, तो कमेंट जरूर करें वीडियो पे, नीचे यूट्यूब पे जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि हाँ सर ये तरीका सही है, आप ऐसे ही पढ़ाइए या पहले जो तरीका था वो सही है, तो हम उसी तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखो आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन, यहां पर मेरे लिए तो आसानी है भाई, मुझे तो ये बहुत सही लगता है कि मुझे भी क्वेश्चन दिखता है तो सॉल्व मैं जल्दी से जल्दी कर पाता हूं। जब क्वेश्चन मुझे नहीं दिखता तो मैं केवल सोचता हूं कि हाँ ये दिया होगा, तो लैंग्वेज को पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है, यहां पर मुझे आगे लैंग्वेज दिखती है तो सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता। देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को समझा करो भाई, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझा करो तब पेन उठाया करो सॉल्व करने के लिए। देखो एक कंपनी अपने एक विक्रेता को 10000 रुपए की बिक्री तक 10% कमीशन देती है तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 5% कमीशन देती है, यदि विक्रेता कुल बिक्री पर कमीशन काटकर कंपनी को इतने रुपए जमा करता है तो बताइए उसने कुल कितनी बिक्री की। ये तो मैं आपको पिछली वाली क्लास में करा चुका हूं भाई, ये क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए, इसको मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लूंगा, इस क्वेश्चन में जल्दी से करेंगे। 10000 पर 10% का कमीशन है, 10000 रुपए की धनराशि पर 10% से कमीशन है, इससे ऊपर की बिक्री पर क्या कह रहा है, इससे ऊपर की बिक्री पर 5% कमीशन है, मतलब केवल 5% से कमीशन है, और उसके बाद लौटाता है 47000, इसका मतलब कंपनी को लौटाया हुआ धन दिया है, कंपनी को लौटाया हुआ धन दिया है 47000 रुपए। तो सबसे पहले क्या करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों में, तो आप कहेंगे कि सर कमीशन को सेम करते हैं तो 5% करना पड़ेगा 10 को, तो 10 को 5% करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5% से घटाना पड़ेगा तभी तो 5% हो पाएगा, तो इसको भी यहां भी 5% यहां भी 5%, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 10000 रुपए की धनराशि पर 5% से कमीशन घटाना पड़ेगा, तो 10000 रुपए की धनराशि पर 5% से कमीशन, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो 20 से कितनी बार कट जाएगा 500 रुपए कमीशन कम हो जाएगा, और ये क्या दिया है हमें, कंपनी का लाभ, तो जो कमीशन कम हो रहा है वो कंपनी के लाभ में जुड़ेगा,
तो 500 रुपए यहाँ ऐड हो जाएगा, इसका मतलब कंपनी को कितने रुपए जाते, 47,500। इसका मतलब अगर कुल बिक्री पर 5% से कमीशन होता तो कंपनी को 47,500 जाते, तो टोटल सेल्स बताइए। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 नीचे कुल बिक्री ऊपर कमीशन, तो कंपनी को कितना जाएगा 19 रेशियो का मान बराबर है 47,500 के, तो 19 से कैंसिल करेंगे तो 19 × 2 = 38 और 19 × 5 = 95 2500 बार। कुल बिक्री के लिए 20 रेशियो का मान निकालेंगे भाई, तो 20 × 2500 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 2 = 50 तो आंसर आ जाएगा हमारा 50,000। तो कुल बिक्री कितनी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, 50,000। कौन सी ऑप्शन पे है, ए ऑप्शन पे, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इस पर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पीछे आपको ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूं। देखेंगे आज की क्लास का फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन लगाएंगे स्क्रीन पे। देखो फोर्थ क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दिख गया होगा, पढ़ेंगे समझेंगे करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कमीशन से रिलेटेड। ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है कमीशन से रिलेटेड, वैसे तो मैंने ज्यादातर क्वेश्चन आपको करा दिए, तो मैंने सोचा ये भी करा देता हूं जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका बचे नहीं। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन, एक ट्रक विक्रेता का मूल वेतन 15,000 रुपए प्रति महीना है, इसके बाद उसे प्रति ट्रक की बिक्री पर 500 रुपए कमीशन मिलता है। अगर जुलाई में उसको 30,000 रुपए आय थी तो उसे अगस्त में कितने ट्रक बेचने चाहिए कि उसकी आय जुलाई की तुलना में दोगुनी हो जाए। बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, कुछ नहीं रटना नहीं है, बस समझना है। अगर आपने कमीशन को समझ लिया होगा और कमीशन में जो भी टर्म आते हैं, कुल बिक्री, कमीशन, कंपनी को लौटा हुआ धन, बोनस, अगर ये टर्म आपकी समझ में आ गए होंगे तो क्वेश्चन चाहे कमीशन का कहीं से भी आ जाए आपसे नहीं बचेगा। और अगर आपने रटा होगा जो मैंने बताया वो चीज आपने रटी होंगी, तो प्यारे विद्यार्थियों अगर सेम क्वेश्चन आ जाएगा तब तो आप कर पाएंगे, अगर थोड़ी सी भी लैंग्वेज चेंज हो गई तो आप फंस जाएंगे। इसलिए रटना नहीं है, समझना है चीजों को। मैं अगर 2 और 2 = 4 भी लिखूं ना, 2 + 2 = 4 तो भी आपको ये समझना है कि ये सर ने 4 क्यों लिखा, ये नहीं समझना आपको, ये नहीं सोचना कि 2 और 2 को जोड़ देते हैं, ये पूछना है 2 और 2 को क्यों जोड़ देते हैं, समझे कि नहीं। क्यों का मतलब क्यों पे ध्यान देना है, ऐसा क्यों हो रहा है वो वाली चीज पे ध्यान देना है। तो देखो एक ट्रक विक्रेता का मूल वेतन 15,000 रुपए है और इसके बाद उसे प्रति ट्रक की बिक्री पर 500 रुपए का कमीशन मिलता है। देखो ये क्या है, जो सेलर है, देखो चौथा क्वेश्चन है, जो विक्रेता है भाई, जो सेलर है उसको क्या क्या मिल रहा है, उसको 15,000 रुपए तो उसकी सैलरी है जो फिक्स मिलेगी ही मिलेगी, 15,000 रुपए तो उसके फिक्स हैं। देखो यहां पर दिया है 15,000 रुपए प्रति महीने तो उसके फिक्स हैं, मतलब उस सेलर को 15,000 रुपए पर मंथ तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे प्रति महीने। उसके बाद उसे प्रति ट्रक की बिक्री पर 500 रुपए का कमीशन मिलता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर विक्रेता एक ट्रक सेल कर देगा तो एक ट्रक की बिक्री पर उसको 500 रुपए मिल जाएंगे, 500 रुपए उसको कमीशन के रूप में मिलेंगे। तो विक्रेता का लाभ कहां से होगा, विक्रेता का लाभ प्रति महीने 15,000 मिलेंगे यहां से और एक ट्रक की बिक्री पर 500 रुपए मिलेंगे यहां से। अब उसके बाद उसने क्या कहा, यदि जुलाई में उसकी 30,000 रुपए की आय थी तो उसकी अगस्त में कितने ट्रक बेचने चाहिए जिससे उसकी आय दोगुनी हो जाए, कुछ है नहीं है। अगस्त महीने में, अगस्त के महीने, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना भाई, अगस्त के महीने में आय जुलाई से दोगुनी हो जाए, तो जुलाई में कितने मिल रहे थे इसको 30,000, तो अगस्त में दोगुनी हो जाए तो इसका मतलब कितनी हो जाएगी, 60,000 रुपए चाहिए इसको अगस्त के महीने में। 60,000 में से आप कहेंगे सर 60,000 में से 15,000 तो उसको महीने के फिक्स मिल जाएंगे, इसका मतलब अगर मैं इसकी फिक्स सैलरी 15,000 रुपए घटा दूं तो बाकी की सैलरी कितनी बचेगी, 45,000। अब ये बताइए कि ये 45,000 उसको कहां से मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 45,000 उसको मिल रहा है एक ट्रक पर 500 रुपए का कमीशन है, तो 45,000 रुपए उसका कमीशन है, इसका मतलब ट्रक कितने सेल करे ये निकालेंगे, ट्रकों की संख्या निकालेंगे, तो 45,000 रुपए उसको मिले हैं और एक ट्रक पर 500 रुपए मिलते हैं, तो एक ट्रक पर कितने मिलते हैं, उससे कुल धनराशि को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो कितने बार जाएगा, 90 बार, तो यही तो ट्रकों की संख्या आ जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, ए।
ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया, फिक्स सैलरी 15,000 और एक ट्रक पर 500 रुपए का कमीशन। तो पहले मैंने ये देखा कि अगस्त के महीने में उसने आय कितनी की है, तो उसने कहा है कि अगस्त के महीने वो जुलाई में 30,000 की बिक्री करता है, और अगस्त में कितने ट्रक बेचने चाहिए ताकि उसकी आय जुलाई की दोगुनी हो जाए। तो जुलाई में कितने मिल रहे हैं भाई उसको, 30,000, इसकी दोगुनी हो जाए। तो 30,000 की दोगुनी कितनी हो जाएगी, 60,000। देखो 30,000 की दोगुनी कितनी हो जाएगी, 60,000। अगस्त के महीने में 60,000 की इनकम कर रहा है, 15,000 फिक्स सैलरी है, 15,000 फिक्स सैलरी को मैंने घटा दिया 60,000 में से, तो बाकी 45,000 उसको कमीशन मिलेगा 500 प्रति के हिसाब से। 500 से 45,000 को भाग दिया तो 90 ट्रक आ गए। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है। देखो आज की क्लास का पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन लगाएंगे जरा। देखो बेटा आपको स्क्रीन पर दिखने लग गया होगा, पांचवा क्वेश्चन पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे, फिर समझाने के लिए तो मैं खड़ा ही हूं यहां, मैं तो फिर आपको बताऊंगा ही। सेकंडों में क्वेश्चनों को सॉल्व करो भाई, अब तो कमीशन बहुत चल गया भाई, तीन क्लास हो गई। पहला परसेंटेज में ऐसा टाइप है जिसकी मैंने तीन क्लास कराई है आपको, बाकी दो दो क्लास में या एक एक क्लास में जो कंसेप्ट है उनको फिनिश किया है। ठीक है, उनकी भी प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप कहें सर कमीशन से ही ऐसा कौन सा प्यार था कि इसकी इतनी प्रैक्टिस करा दी बाकी की नहीं कराई, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी कराऊंगा। बाद में जब प्रैक्टिस आएगी आपकी तो सीट में सारे टाइप के क्वेश्चन हैं उनको दोबारा से कराएंगे, तो सारी चीजें बिल्कुल कंटस्ट हो जाएंगी, टेंशन मत लो। सिलेबस भी आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही फिनिश हो जाएगा। अब थोड़ा सा ये है कि ऑफलाइन से ज्यादा टाइम तो लेगा ही। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन, देखो बेटा पांचवा क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है पांचवे क्वेश्चन में, पहले पढ़ लेते हैं। एक्स को हर वस्तु पर 60 रुपए कमीशन मिलता है, एक्स अगर एक वस्तु बेचेगा तो उसको कितने रुपए मिल जाएंगे, 60 रुपए, कमीशन का मतलब यही होता है। तथा हर वस्तु की बिक्री पर एक्स प्रतिशत लाभ मिलता है और उसे अलग से एक्स परसेंट लाभ भी मिलता है। एक सप्ताह उसने 12 वस्तुएं बेची और उन पर उसे 2880 रुपए का लाभ कमाया, तो एक्स का मान ज्ञात करो। देखो भाई ये भी सेम वही है, यहां पर एक तो उसको मतलब फिक्स एक्स को हर वस्तु पर फिक्स 60 रुपए तो मिलने ही मिलने हैं, ये तो उसके हैं फिक्स, बाकी का एक्स परसेंट लाभ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एक्स है इसको 60 रुपए तो फिक्स बाई एक आर्टिकल पर मिलने ही मिलने हैं, प्लस एक्स परसेंट से लाभ अलग से मिलेगा, ये है इसकी इनकम। ठीक है, पहले बात को समझना, इसको क्या मिल रहा है पहले ये पता होना चाहिए, सबसे पहले यह पता होना चाहिए क्या मिल रहा है। तो एक्स को 60 रुपए कमीशन मिल रहा है और हर वस्तु की बिक्री पर एक्स प्रतिशत लाभ मिलता है। एक सप्ताह में उसने 12 वस्तुएं बेची, भाई उसने 12 आर्टिकल बेचे तो ये एक वस्तु पर 60 रुपए मिल रहे हैं और उसने 12 वस्तुएं बेची और उसे लाभ कितना हुआ, 2880 का। तो आप मुझे ये बताएंगे कि अगर उसने 12 आर्टिकल्स सेल किए तो 12 आर्टिकल्स पे उसका लाभ कितना है, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। तो आप कहेंगे सर 2880 रुपए का लाभ है, क्वेश्चन में हमें दिया है कि उसे 2880 रुपए मिलते हैं, ये दिया है, ठीक है 2880। अब आपसे मैं कहूं कि एक आर्टिकल पर उसे फिक्स कितने रुपए मिलते हैं, तो आप कहेंगे सर उसको 60 रुपए तो फिक्स मिलते ही मिलते हैं, इसका मतलब 12 आर्टिकल पर कितने मिलेंगे, तो आप कहेंगे 12 आर्टिकल पर कितने मिलेंगे, तो 12 आर्टिकल पर निकालेंगे तो एक पर 60 मिल रहा है, तो 12 पर निकालेंगे तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 72 कितने रुपए मिलेंगे, 720 रुपए। इसका मतलब ये 12 आर्टिकल में उसके 720 रुपए फिक्स वाले घटा दें, फिक्स वाले घटा दें तो 06 जो 2160 रुपए जो है वो कितने पर, ये जो 2160 रुपए हैं ये कहां से मिल रहे हैं, तो ये 2160 रुपए उसको मिल रहे हैं एक आर्टिकल पर एक्स परसेंट से, यही वाली बात है भाई। अब ये 2160 मात्र एक्स परसेंट से आर्टिकलों पर मिल रहे हैं, उसके बाद उसने कुल बिक्री दी है 10,800, इसका मतलब 12 आर्टिकलों की कुल बिक्री दी है और 12 आर्टिकलों पर एक्स परसेंट से 2160 का कमीशन मिल रहा है, तो हमें एक्स का मान निकालना है बस, तो 1000, तो ये जो है एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स कितना कमीशन मिल रहा है, 2160, कितनी टोटल सेल्स कितनी है भाई, कमीशन का परसेंट निकालते हैं या लाभ परसेंट निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, कितने रुपए का लाभ या कमीशन है वो ऊपर, तो कमीशन कितना है 2160, कुल धनराशि कितनी है 10,800 पर और मल्टीप्लाई 100,
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 108 से 20 बार, तो x का मान कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 20%। तो 20% कौन से ऑप्शन पे है, बी ऑप्शन जो है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो अब यहां पर ये जो 2880 रुपए की इसको कैसे कमाई हो रही है, 12 आर्टिकलों पर। अब आप देखो यहां से चेक भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे चेक करेंगे, देखो ऐसे चेक करेंगे, 12 आर्टिकल सेल कर रहे हैं, 12 आर्टिकलों में 60 रुपए फिक्स के हिसाब से मिलेंगे उसको, तो 12 पर 60 के हिसाब से कितने मिलेंगे, 720, ठीक है। उसके बाद x का मान हमने कितना निकाला, 20%, तो 20% कितने पर, 10,800 पर 20% से और मिलेगा, तो 10,800 पर 20% कितना हो जाएगा, 1/5, 5 × 10, 5 2160, 2160 उसको यहां से मिलेंगे, और 2160 और 720 टोटल उसको कितने मिले, तो 2880। तो देखो कितने मिल रहे हैं, 2880। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन एग्जाम में चेक नहीं करना प्यारे विद्यार्थियों, यहां बस आपको समझाने के लिए ये ड्रामा करता हूं मैं बस, जिससे कि चीजें आपके समझ में आई कि ये हो क्या रहा है क्वेश्चन में, क्या चल रहा है, ये x 60 ये क्या चल रहा है, ये चीजें समझाने के लिए ऐसा करता हूं। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन को क्रॉस चेक नहीं करना, बस आंसर आ गया लगा के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये चीजें बस आपको समझाने के लिए है। तो देखो आज की क्लास का और कमीशन को यहीं पर हम फाइनल टच देते हैं, बस आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लें, सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अमन की मासिक आय में, ये आय है इनकम, ये प्यारे विद्यार्थियों आय लिख रहा है भाई, दिख नहीं रहा हो तो देखो मैं लिख देता हूं आय। अमन की मासिक आय में एक निश्चित वेतन तथा प्रति माल पर एक निश्चित कमीशन शामिल है, वही वाली चीज है। आज के टाइप में सारे क्वेश्चन आपने ऐसे ही देखे होंगे, एक कमीशन पहले प्रति 50 माल के बाद x प्रतिशत माल के हिसाब से घटता है, और 51 से 100 पर, और बाद में यह कमीशन पहले 100 माल के बाद x प्रतिशत प्रति माल के हिसाब से फिर बढ़ता है, फिर घटता है, सॉरी ये बढ़ता नहीं है बेटा, ये घटता होगा, ये गलत टाइप हो गया है। अब देखो यही इस चीज से यही फायदा है, ये जो नया पैटर्न चालू किया इससे यही फायदा है कि मैं क्वेश्चन में अगर कोई एरर टाइपिंग की हो जाती है तो उसको भी करेक्ट कर सकता हूं, उसको भी करेक्ट कर सकता हूं, जो कि मैं तब नहीं कर पाता था और उसमें गलती हो जाती थी, बच्चों को डाउट होता था कि सर आप बोल कुछ रहे हैं और क्वेश्चन में कुछ कह रहा है। ऐसे डाउट कई विद्यार्थियों ने मुझे कमेंट करके बताए कि सर आप बोल कुछ रहे हैं और क्वेश्चन में जो लिखा है वो अलग लिखा है, तो इसलिए अब मैं जो बोलूंगा और जो लिखा अगर गलत होगा तो मैं उसको आपको बता दूंगा। तो यहां पर प्यारे विद्यार्थियों ये घटता है, ठीक है। पहले महीने 30 माल की बिक्री पर 8,000 की आय हुई, दूसरे महीने 50 माल की बिक्री पर 12,000 की आय हुई, तीसरे महीने 70 माल की बिक्री पर 11,400 की आय हुई, अगर चौथे महीने में अमन 120 माल की बिक्री करता है तो उसकी उस महीने की आय क्या होगी, ये हमसे पूछा है। क्वेश्चन के ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे होंगे, वो मैं बाद में बता दूंगा, थोड़े नीचे चलेगा क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी है बेटा, इस वजह से अगर कोई भी लाइन थोड़ी सी अगर हिंदी में भी कट रही तो आप इंग्लिश में पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल स्पष्ट देख लें और समझ लें यहां पर क्या हो रहा है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा साइड में। देखो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन में ये हो रहा है कि अमन की मासिक आय में एक निश्चित वेतन और प्रति माल पर एक निश्चित कमीशन शामिल है। अमन है कोई सेलर, देखना बात को समझना, अमन है उसको क्या मिलता है, एक तो उसको मिलती है भाई फिक्स्ड सैलरी, जो भी उसकी होगी वो फिक्स सैलरी मिलती है, और प्लस कमीशन, दो चीज शामिल है उसकी आय में, यही कहा है क्वेश्चन में कि उसको फिक्स सैलरी मिलती है अमन को और उसको कमीशन मिलता है, ये दो चीजें शामिल हैं अमन की आय में। फिर उसके बाद क्या कहा है, यदि कमीशन पहले 50 माल के बाद x प्रतिशत प्लस माल के हिसाब से घटता है, इसका मतलब उसका कमीशन जो है 50 माल तक तो सेम है। अब इनको लिख लेते हैं उसको कितने कितने माल पर कितने कितने रुपए मिल रहे हैं, तो कह रहा है पहले महीने 30 माल की बिक्री पर 8,000 मिलते हैं, इसका मतलब 30 माल की बिक्री पर प्यारे विद्यार्थियों उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, 8,000। देखना बात को बिल्कुल बारीकी से समझना। उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद कहा है उसने, उसके बाद 30 कंसाइनमेंट, सेकेंड मंथ इनकम उसकी है 14,400 ऑन सेल्स ऑफ 70 आर्टिकल, लेकिन 30 कंसाइनमेंट जो दूसरे में सेल कर रहा है वो 8,000 ऑन सेल्स ऑफ 30 कंसाइनमेंट, ये वाला जो है। इसके बाद एक कंसाइनमेंट इसमें मिस हो गया है, यहां देखेंगे 8,000 की आय हुई, दूसरे महीने 50 माल की बिक्री पर 12,000 रुपए की आय हुई, यहां पर हिंदी में देखेंगे दूसरे महीने 50 माल की बिक्री पर, 50 माल की बिक्री पर, और कितने की आय हुई भाई, कितने की आय हुई, 12,000 रुपए की, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद 14,400 की आय हुई 70 कंसाइनमेंट पर, कंसाइनमेंट का मतलब माल, तो 70 माल पर कितने की बिक्री हुई, तो आप कहेंगे कि सर 14,400 रुपए की, ठीक है। उसके अलावा दो कंडीशन इसने दी हैं। पहली कंडीशन में दिया है कि यह कमीशन पहले 50 माल के बाद एक्स प्रतिशत प्लस प्रति माल के हिसाब से घटता है, और फिर 100 के बाद फिर से एक्स प्रतिशत से घटता है। ये दो कंडीशन दिए हैं, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई होंगी, क्योंकि यहां पे सॉल्व करने के लिए थोड़ा स्पेस कम है। बेटा मैं क्वेश्चन को हटाऊंगा, एक बार और समझ लो क्वेश्चन में क्या कहा है कि अमन कोई व्यक्ति है, उसे फिक्स सैलरी मिलती है और कमीशन मिलता है, ठीक है। 30 माल पर उसे 8,000 रुपए मिलते हैं, 50 माल पर उसे 12,000 रुपए मिलते हैं, और 70 माल पर उसे 14,400 मिलते हैं। 50 माल के बाद देखो इधर लिख देता हूं, आफ्टर 50 कंसाइनमेंट, शॉर्ट में लिख देता हूं, उसके बाद माइनस एक्स परसेंट, मतलब कमीशन उसका एक्स परसेंट से कम हो जाता है, फिर 100 के बाद, 100 कंसाइनमेंट के बाद फिर से एक्स परसेंट से कम हो जाता है। ये दो कंडीशन दी हैं, ये दो कंडीशन दी हैं, और ये चीजें दी हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखेंगे क्वेश्चन को, समझेंगे, बस खाली स्लाइड लगाएंगे जरा, हेलो खाली स्लाइड लगाओ, खाली स्लाइड, बस बस बस। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखना, अब हमें x का मान पूछा है, उसने पूछा है 120 माल अगर वो बेचे, तो 120 माल बेचने पर उसे इनकम कितनी होगी, हमसे क्वेश्चन में उसने ये पूछा है। अब देखो, अब हमें ये बताइए आप कि 50 माल तक क्या, अगर मैं यहां पर जो 50 माल पर उसको मिल रहा है 12,000, 30 माल पर उसको मिल रहा है 8,000, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, इसमें से इसको माइनस कर दूं, तो इस 8,000 में क्या होगा। देखो बात को बिल्कुल धीरे 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 समझेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस 8,000 में क्या होगा, इस 8,000 में उसकी फिक्स सैलरी होगी और प्लस एक्स परसेंट से कमीशन होगा, ठीक है, माल के हिसाब से 30 माल पर। बात को समझना, ऐसे इस 12,000 में क्या होगा, उसकी फिक्स सैलरी होगी और प्लस एक्स परसेंट से कमीशन होगा, ठीक है। अब जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, तो कितने माल आएंगे, तो आप कहेंगे सर 20 माल आएंगे, और 20 माल पर अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कमीशन कितना आएगा, तो 20 माल पर कमीशन आएगा कितने रुपए का, 4,000 का। तो 20 माल पर 4,000 का कमीशन आएगा, क्योंकि 12,000 में से 8,000 को माइनस करेंगे, तो ये माइनस करने पर ये 4,000 का कमीशन क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करने पर फिक्स सैलरी और ये 8,000 पर एक्स परसेंट से, तो फिक्स सैलरी तो कैंसिल हो जाएगी। उसके अलावा ये 4,000 रुपए 8,000 पर एक्स परसेंट से, 12,000 पर एक्स परसेंट से, इसका मतलब ये 4,000 रुपए का जो कमीशन है वो मालों पर एक्स परसेंट से है कि नहीं, 20 मालों पर कमीशन है कि नहीं एक्स परसेंट से, क्यों, क्योंकि फिक्स सैलरी तो इसमें से इसको घटाने पर कट जाएगी, केवल एक्स परसेंट जो कमीशन है वही तो कमीशन है। तो 20 मालों पर एक्स प्रतिशत से 4,000 का कमीशन मिल रहा है, इसका मतलब एक माल पर कितना कमीशन मिलेगा, तो एक माल पर आप कहेंगे कि सर एक माल पर मिलेगा, 20 से इसको कैंसिल कर देंगे, मात्र 200 रुपए का कमीशन। तो इसका मतलब एक्स परसेंट से एक माल पर 200 रुपए का मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद 50 माल के बाद क्या होगा, 50 माल के बाद एक्स परसेंट से कमीशन घट जाएगा एक माल पर, इसका मतलब 70 माल में से 50 माल का घटाएंगे, ये घटाएंगे, तो इसमें भी क्या होगा, फिक्स सैलरी होगी, उसके अलावा एक्स परसेंट से अब परसेंटेज कम हो जाएगा, यहां पर जो माल पर, यहां पर 50 मालों तक तो लगेगा एक्स परसेंट से ही, और उसके अलावा लगेगा एक्स परसेंट घटाने के बाद, मतलब मैं उसको वाई परसेंट मानना उससे, तो 70 माल में से 50 माल का घटाएंगे तो बाकी 20 माल का कमीशन कितना आएगा। देखो इस बात को ध्यान से समझते चलना, तो 20 माल पर कितना कमीशन आएगा इस दूसरे वाले केस में, तो दूसरे वाले केस में 20 माल पर कमीशन आएगा 14,400 में से 12,000 को माइनस करेंगे तो 2,400, तो फिक्स सैलरी तो इसमें भी घट गई, इसमें केवल जितने परसेंट से कमीशन लग रहा है वो कमीशन है, तो एक माल पर यहां पर कितना कमीशन आ जाएगा, तो यहां पर एक माल पर आ जाएगा 20 से इसको कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 120 रुपए का कमीशन। इसका मतलब एक्स प्रतिशत घटने के बाद बाकी के 50 माल के बाद, अब आपको यह समझ में यहां से आ जाना चाहिए
कि यहां पर एक माल पर 200 रुपए का कमीशन बन रहा था और यहां पर एक माल पर 120 का कमीशन बन रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा था कि 50 माल के बाद जो कमीशन है वो एक्स प्रतिशत से कम हो जाएगा, एक्स परसेंट से कम हो जाएगा। तो देखो यहां कम हो गया, पहले 200 था और अब 120 हो गया, तो यहां से मैं एक्स का मान निकाल सकता हूं। एक्स का मान क्या होगा? तो एक्स का मान निकालेंगे तो कितना कम हुआ है? 80 कितने पर? 200 पर, और मल्टीप्लाई 100, तो यहां से एक्स का मान आ जाएगा। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा? 40%। इसका मतलब एक्स में कमी कितने परसेंट से हो रही है? वो वाली, ये एक्स का मान नहीं है, एक्स में कितने परसेंट की कमी हो रही है, ये वो वाली चीज आ गई कि एक्स जो है, जो परसेंटेज कमीशन पहले लग रहा था, उस कमीशन में कितने प्रतिशत की कमी आई है, परसेंटेज कमी है ये। ऐसे यहां पर भी वही चीज है, ये कितने परसेंट की कमी आ रही है, ये वाली चीज है। तो 50 माल के बाद एक्स परसेंट से कम हो रहा था, तो वो एक्स का मान कितना है? 40%। इसका मतलब 50 माल के बाद कमीशन जो है वो 40% से कम हो जाएगा। एक तरह से जो कमीशन मिल रहा है माल पर, वो फिक्स सैलरी पर जो कमीशन मिल रहा है वो तो फिक्स है, लेकिन कमीशन में जो कमी आ रही है ना वो एक्स परसेंट से आ रही है। ये इसको एक्स मत मानो प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने कमीशन का परसेंट लिखा है, इसको और कुछ मान लो, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स परसेंट कमीशन में कमी का परसेंट दिया है, तो ये ए परसेंट मान लो। तो ये एक्स का मान होगा कितना? होगा 40%। इसका मतलब ये है कि 50 माल के बाद जितने भी माल सेल होंगे उनमें प्रत्येक माल पर कमीशन 40% से घट जाएगा। ठीक है, अब बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उसने पूछा बताइए 120 माल पे कितना कमीशन मिलेगा, उसने ये पूछा है 120 माल पे कितना कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो 120 माल में से 70 माल का तो हमको पता है, तो इसमें से 70 मैं इसको ब्रेक कर दूं कि 70 माल पर कमीशन कितना है ये हमको पता ही है, तो बाकी हमें 50 पर निकालना है बस। तो 70 माल पर कमीशन कितना है भाई? तो 70 माल पर आप कहेंगे सर 14,400 रुपए का कमीशन है, बाकी के 50 माल पर निकालना है। तो 70 माल से ऊपर 50 माल में भी जो कमीशन है उसमें कितने के बाद कमी आ रही है? तो एक तो कमीशन में कमी आ रही है 50 माल के बाद, और एक कमी आ रही है 100 माल के बाद। दो कमी आ रही है, एक 50 माल के बाद x परसेंट की आ रही है और एक 100 माल के बाद x परसेंट की कमी आ रही है। इसका मतलब यहां पर इसमें भी 70 माल के बाद इसको भी हमें तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 30 माल पर तो कमीशन लगेगा अलग और 20 माल पर कमीशन लगेगा अलग। तो 30 माल पर कमीशन किस दर से लगेगा? तो भाई देखो, 50 के बाद एक माल पर कितना लग रहा है? 120, तो 100 तक यही लागू रहेगा। इसका मतलब 30 माल पर जो कमीशन लगेगा 120 रुपए प्रति माल के हिसाब से लगेगा। तो इसका मतलब 120 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो 12 36 कितने रुपए बन गए? 3600 रुपए। इसका मतलब 14,400 में 3600 रुपए ये बन गए भाई। तो ये बन गए तो कितना हो गया? 18,000 रुपए बन गया। ठीक है, बात को समझते चलना। अब उसके बाद बचे 20 माल, इस 20 माल पर कमीशन कितना लगेगा पहला ये निकालना पड़ेगा। तो 20 माल पर कमीशन जो लगेगा वो यहां से फिर से 40% कम हो जाएगा। तो इसका मतलब 20 माल पर कमीशन कितना लगेगा ये कैसे निकालेंगे? तो इसका मतलब ये है कि 100 माल तक कितना लग रहा था? 120 रुपए। अब 100 माल के बाद 40% से फिर घट जाएगा, तो 40% 2/5 घटने के बाद कितना रह जाएगा? तो एक काम करो, पहले देखो मैंने आपको बताया है किसी भी परसेंटेज में, जैसे 40% है तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 2/5। इसका मतलब इसने कहा कि 40% से कम हो जाएगा, तो कितना कम हो जाएगा? ये ऊपर आएगा, और कितना पहले था ये नीचे आएगा। अगर मैं ये निकालूं कम करने के बाद कितना बचा, तो उसके लिए क्या करेंगे? 5 में से 2 को घटाकर 3/5 करेंगे, फ्रैक्शन चेंज करेंगे, नहीं करेंगे। तो यहां से आप कैसे भी कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर 40% की कमी आएगी कमीशन में। तो 40% की कमी, तो 40% इसकी कमी निकालेंगे, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 24, 48 रुपए की कमी आएगी। 48 रुपए की कमी आएगी इसमें कमीशन में, तो 120 रुपए से 48 रुपए घटा दो तो आ जाएगा कि अब 20 मालों पर कितना कमीशन लगेगा। या इसी चीज को मैं कैसे कर सकता हूं, या इसी चीज को मैं सीधा ऐसे कर सकता हूं कि भाई 120 रुपए लग रहे थे, 40% की कमी आ रही है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, लेकिन हमें यह पता करना है कि कमीशन कितना लगेगा, तो 5 में से 2 को घटाकर सीधा 3/5 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो 5 का कितना हो जाएगा? 5 × 2 = 10, 24 = 72। इसका मतलब अब आगे के मालों पर 72 रुपए से कमीशन लगेगा। तो 20 मालों पर
और 72 रुपए से कमीशन लगाएंगे तो कितना लग जाएगा, 04 1440। इसका मतलब 1440 और ऐड हो जाएगा इसमें, तो पूरा कमीशन कितना बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 04 और यहां पे आ जाएगा 4 9 19 1440 रुपए। 18,000 और 1,000, 19,440 रुपए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा भाई, आंसर अगर हम करेंगे तो आंसर हो जाएगा 19,440। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक बार और समझ लेंगे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाला है, एक बार और समझा देता हूं। इसीलिए देखो, अमन कोई व्यक्ति है, उसको फिक्स सैलरी मिलती है और फिक्स कमीशन मिलता है एक माल पर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब उसके बाद 30 माल पर उसे 8,000 मिले, 50 माल पर उसे 12,000 मिले और 70 माल पर उसे 14,400 मिले, ये हमें दिया है। उसके बाद उसने दो कंडीशन दी हैं। दो कंडीशनों में उसने ये कहा है कि 50 माल के बाद कमीशन परसेंट में एक्स परसेंट से कमी आ जाएगी। वो दो कंडीशन क्या दी है, वो ये दी है कि आफ्टर 50 माल के बाद कमीशन में कमी आ जाएगी एक्स परसेंट की, और फिर जो कमी आएगी उसके बाद 100 माल तक ये वाली कमी लागू रहेगी, 100 माल के बाद फिर से एक्स परसेंट की कमी आ जाएगी। ये दो कमी दी है कमीशन में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने पहले ये देखा कि 30 माल पर कमीशन 8,000 लग रहा है, तो इसमें फिक्स सैलरी होगी और 1% से कमीशन होगा, और 50 माल पर 12,000 से लग रहा है, इसका मतलब इसमें फिक्स सैलरी होगी और 1% से कमीशन होगा। इसका मतलब अगर इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो फिक्स सैलरी तो जाएगी कट, बाकी 1% से कमीशन बचेगा, तो कितना बचेगा, 4,000 रुपए का, और कितने मालों पर बचेगा, तो ये 20 मालों पर कमीशन आ जाएगा 1% से। तो 20 मालों पर कितना आ रहा है, 4,000, और एक माल पर कितना आ रहा है, 2,000। परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि परसेंट से कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल 120 माल पर कमीशन बताना है, तो ठीक है। तो एक माल पर एक्स परसेंट पहले वाले रेट से कमीशन जिससे लग रहा था, कमीशन पहले जिससे लग रहा था उससे एक माल पर 200 रुपए का कमीशन बनेगा, फिर उसके बाद 50 माल के बाद एक्स परसेंट से कम हो जाएगा। इसका मतलब 50 माल के बाद जो बाकी के 20 माल है उस पर कमीशन कितना लग रहा है, तो 14,400 में से इसको माइनस करेंगे तो बाकी के 20 मालों पर लग रहा है 2,400। इसका मतलब एक माल पर बन रहा है 120। ये एक माल पर 120 क्यों बन रहा है, वो इसलिए बन रहा है क्योंकि 50 माल पर एक्स परसेंट से कमीशन कम हो रहा है, ठीक है। तो पहले कमीशन कितना बनना था, 200, अब कितना बना, 120, तो कितना कम हो गया, 80, कितने पर, 200 पर, तो ये परसेंटेज कमी आ गई। इसका मतलब 50 माल के बाद 40% से कमीशन गिरेगा और 100 माल के बाद फिर से 40% से कमीशन गिरेगा। इसका मतलब ये जो 200 रुपए कमीशन है जो लग रहा है, ये मात्र 50 माल तक लगेगा। आप बात को ध्यान से समझना, ये वाला कमीशन मात्र 50 माल तक लगेगा और ये 120 वाला 100 माल तक लगेगा, और 100 माल के बाद फिर से इसमें से कम होके ये जो 72 रुपए कमीशन है, ये जो है 100 के बाद जितने भी होंगे उन सब पे लगेगा। बस मैंने वही किया। तो 120 माल पर उसने मुझे पूछा था, उसमें से पहले 70 माल का मुझे पता ही है क्योंकि यहां पर है 70 माल का 14,400, तो 70 माल को अलग कर लिया, 50 माल बचे, 50 में से 30 माल, क्योंकि 70 माल के बाद 30 मालों पर तो जो रेट लगेगा एक माल पर वो 120 से लगेगा, तो 30 पर 120 से 3600 रुपए बन जाएगा। फिर बाकी के बाद कितने बचे, 20 माल, 20 माल पर किस वजह से बनेगा, 72 से, तो कितने का बनेगा, 1440 का, 1440, 3600 और 18,000 सबको मैंने ऐड कर दिया, तो नया हमारे पास टोटल उसकी, अमन की टोटल इनकम आ गई 19,440, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, कमीशन का बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन था। तो कमीशन के मैंने तीन क्लास आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें एक में कंसेप्ट बताया था और कुछ क्वेश्चन बताए थे। उसके बाद सेकंड क्लास में मैंने आपको कमीशन से रिलेटेड 9 क्वेश्चन कराए थे, फिर उसके बाद आज की क्लास में मैंने आपको 6 क्वेश्चन कराए हैं। अब कमीशन में आपको इन सभी वीडियोस को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई डाउट बचता है तो प्यारे विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी भी पब्लिकेशन पे आपको कोई भी बुक आप कमीशन की लगा रहे हैं जिसमें कमीशन रिलेटेड क्वेश्चन है और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप वो क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जुड़ के। उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा
बहुत विद्यार्थी पूछते सर कौन सा पब्लिकेशन पढ़े। प्यारे विद्यार्थी, कोई भी पब्लिकेशन कहीं से भी कुछ भी मैटर मिले उठा लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि किसी एक जगह, नहीं, हम तो इन्हीं से पढ़ेंगे, इन्हीं सर का पढ़ेंगे, किसी से बंधे हुए नहीं हो, क्योंकि सभी में ज्यादातर मैटर सेम है। जब आप पढ़ोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पब्लिकेशन तो आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि बस 10% 20% अलग है, बाकी 70-80% सभी पब्लिकेशनों में सेम मैटर है। तो आप कोई भी पब्लिकेशन लगा लो, कुछ भी मैटर नहीं करता। लेकिन ये है कि आप किसी टीचर का बना लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे आप कोई भी पब्लिकेशन का लगाएं, लेकिन वो किसी टीचर के द्वारा रिटेन होना चाहिए, उसको ही लगाएं। जो वैसे होते हैं अरिहंत वगैरह के, ये बेकार हैं, इनमें सॉल्यूशन सही तरीके से नहीं होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मिलूंगा नई क्लास में। लेकिन आप इसमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये प्रोजेक्टर से जो क्वेश्चन लगाने का तरीका और ऐसे सही है कि जो पहले चल रहा था वो सही है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, सही रहें, स्वस्थ रहें।